मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल वेदांत राजपूत 14 में। और फ्रेंड्स, मैं आज आ पहुँचा हूँ बीच के किले में। कहते हैं हमारा जो सूरजमल का गढ़ था ये, और आपने इसकी बेजोड़ मजबूती और किलेबंदी तो देख ही रखी है। महाराजा सूरजमल की किलेबंदी बहुत अच्छी थी। और आज हम आ पहुँचे हैं महल में। इसका हिस्सा है यहाँ पे पूरा, आप देख रहे हैं 3 मंजिला है। अंदर रहने के लिए कमरा, लेडीज़ों के लिए, जेंट्सों के लिए रहने के लिए कमरा वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और अंदर का व्यू हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये बंद है अभी, बट अंदर का पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको दिखा सकते हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं वर्तमान समय में इस हवेली में क्या क्या बचा हुआ है। जैसा कि आप इसके पहले प्रवेश द्वार से देखेंगे तो इसके प्रवेश द्वार के बीच में एक गलियारा पड़ता है, जो कि यहाँ काफ़ी उस टाइम सुरक्षा के जरिए से कह सकते हैं सैनिक तैनात रहा करते होंगे। जब युद्ध हुआ करता होगा तो जल महल जो है डिक का, उसमें से इनकी रानी वगैरह यहाँ आकर रहा करती होंगी। अब जैसा कि आप इसके अंदर आते हैं तो आपको एक विशाल प्रांगण दिखाई पड़ रहा होगा और सामने इसके एक बरामदा दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देखें तो काफी सुंदर ये हवेली आज भी दिखाई पड़ रही है, जो कि महाराजा सूरजमल जी के द्वारा बनवाई गई थी डीक के इस किले में, जो कि काफी सुंदर अभी भी दिखाई पड़ रही है। इसका जो डिज़ाइन है लाल बलुआ पत्थर पर नक्काशी कर इसको बनाया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रही है। और काफ़ी इसमें टूट फूट दोस्तों हो चुकी है। वर्तमान समय में ये एक इसके अवशेष मात्र जो रह गए हैं, पर जो भी रह गया है काफ़ी सुंदर आज भी दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पहले दूसरे प्रवेश द्वार पर, जो कि नक्काशी काफ़ी सुंदर की गई है। इसके अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं है, दुर्घटना ना हो उसकी वजह से, क्योंकि अंदर काफ़ी टूट फूट हो चुकी है इस हवेली में, तो इसमें अंदर जाने के लिए अभी मना किया है भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से और राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी जो नक्काशी है लाल बलुआ पत्थर पर, और काफ़ी सुंदर ये नक्काशी आप कलश द्वार देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है आज भी। ये उस टाइम का जीता जागता प्रमाण है कि काफ़ी अच्छी उस टाइम इंजीनियरिंग कह सकते हैं, काफ़ी अच्छे हुआ करती थी, जो कि आपको दिखाई पड़ रही होगी। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। जाटलैंड जब बना था, महाराजा सूरजमल के समय पे ही जाटलैंड बना था, और उसी टाइम इस किले का निर्माण कराया था महाराजा सूरजमल ने, और इस किले में इस हवेली का निर्माण भी उन्हीं के समय पर हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपको ले चलता हूँ, चलिए यहाँ एक मंदिर जो बना हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन विराजमान है और क्या क्या अभी भी दिखाई हमको पड़ता है। पहले तो दोस्तों देखिए, काफी टूट फूट हो चुकी है समय के साथ यहाँ पर। और जैसा कि आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ विराजमान दिखाई पड़ रहे होंगे, और यहाँ पर आपको राधा कृष्ण की भी मूर्ति दिखाई पड़ रही होगी। यह भगवान बजरंगबली जो विराजमान है इस मंदिर में, काफ़ी ऊंचाई पर इस मंदिर को बनाया गया है, और काफ़ी आज भी यह बचा हुआ है और काफ़ी सुंदर यह अभी भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आप देखेंगे नंदी विराजमान है, भगवान ब्रह्मा जी भी विराजमान है,
और गणेश जी महाराज विराजमान हैं। ये आप देखेंगे, इसका एक और भाग्या स्थान मत बना धीरे हुआ है, धीरे। जो स्मारक है। इसके ऊपर एक अद्भुत चीज़ बनी हुई है, ये छतरी नुमा जगह, जो कि एक स्मारक बनी हुई है। इस पर पक्ष चिन्ह भी बने हुए हैं दोस्तों, चलिए इसको भी आपको दिखाएंगे। ये आप जो टीला हटियो देख रहे हैं, यहाँ बेटा पर हटियो। कभी बुर्ज हुआ करते थे इसके। और यह अभी हमने आपको जो हवेली दिखाई, इसका पीछे का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ एक और अद्भुत और बेहतरीन कलाकृति, जो कि महाराजा सूरजमल जी के टाइम की दिखाई पड़ती है। यहाँ आप आकर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ पक चिन्ह लगे हुए हैं, क्योंकि किसी के लिए बनाए गए हैं। और इसके गुंबद पे आप छतरी के पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ आपको दिखाई पड़ रही होंगी उस समय की। हमारे कैमरामैन दीपक शर्मा जी जो हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए दिखा रहे हैं इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से। यह महाराजा सूरजमल जी के टाइम की और कुछ भगवान श्री कृष्ण और राम जी के टाइम की झांकियां बनी हुई हैं, पेंटिंग, जो कि इसी की छतरी पर बनी हुई है, जो कि दीवार पर आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी आज भी दिखाई पड़ रही हैं। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ इस किले में कुछ और स्मारक हैं, जो कि वर्तमान समय में बची हुई हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों स्मारक, यहाँ आप देखेंगे इसे तो ये हथियार खाना है, या आप कह सकते हैं उस समय जब हथियार बना करते होंगे तो इसमें रखे जाते होंगे। और यह जी मिट्टी का जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये कभी बुर्ज हुआ करता था। ये स्तंभ आप देखें तो हिंदू वास्तुकला अष्टकोणीय स्तंभ इनको कहा जाता है, जो कि पत्थर को तराश कर काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। दोस्तों, ये इसका प्रवेश द्वार है, जो कि काफ़ी डरावना दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर आप जाएंगे, इसे दीवाने आम या कह सकते हो आप इसे दीवाने खास, उस समय यह दीवाने खास हुआ करता था, पर वर्तमान समय में ये सिर्फ मात्र खंडर के रूप में ही बचा है। काफ़ी मोटे स्तंभ इसमें बनाए गए हैं, जिससे कि यह बिल्डिंग ढह न पाए। अब आपको दिखाते हैं इसके हथियार खाने को। महाराजा सूरजमल ने काफ़ी मोटी मोटी दीवारों से इस किले को बनाया था, जाके जो नीचे कि कारखानों में काफ़ी हथियार अच्छी वगैरह तरीके से इनको। आज भी बचा हुआ है। इस किले को आज तक किसी ने जीता नहीं है, मुगलों से लेकर मराठाओं तक और मराठाओं से लेकर अंग्रेजों तक इस किले को, महाराजा सूरजमल के इसी किले से संबंध नहीं है, महाराजा सूरजमल के जितने भी किले हैं उनको आज तक किसी ने जीता नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो नीचे
आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा और इसमें काफ़ी चमगादड़ जो उड़ रही हैं आपको वो भी दिखाई पड़ रही होंगी। दोस्तों एक और चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दिया कीजिए जिससे हमारी ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए जिससे हमें और भी हिम्मत मिलती है ऐसी जगहों पढ़ रहे को एक्सप्लोर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो दो लाइक रास्ते कमेंट शेयर आपको जरूर दिखाई कर दीजिए।